ड्रामा क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? शायद कुछ कहना चाह रही हैं। तुम बस बड़े पापा की सुनते रहना या मामा की। अच्छा ये बताओ, बड़े पापा ने क्या कहा? तारीफ कर रहे थे मेरे आर्ट की, कह रहे थे कि मेरी चांद सी भतीजी को चार चांद लगा दिए। ओह, इतनी डांट खाने के बाद भी हवाओं में उड़े हो, मुझे सब पता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे तुम यहाँ पे क्या बुद्ध बने खड़े हो रास्ते में? बेचारे को बहुत डांट पड़ी है, लेकिन बड़े खुले दिल का है, सबको माफ कर दिया। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, सैंडविचेस बना दो। वैसे भी मर्दों के हाथ में बड़ा जायका होता है, पता नहीं मुझे टेंशन में क्यों भूख लगती है। ठीक कहा तुमने लारे, मुझे मोहब्बत के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए, मंजिल तक पहुंचने में जल्दी करनी चाहिए। थैंक गॉड वहाज, कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं फारूक अंकल से बात कर रहा था, फोन साइलेंट पे था मेरा। क्यों बुलाया था, क्या कह रहे थे? वही तस्वीर बनाने की वजह से खफा हो रहे थे। बट आई हैंडल हिम प्रीटी वेल, इट्स ओके नाउ, मैंने सॉरी कर लिया था। शाबाश, समझदारी से बात को संभाल के आ रहे हो, तुमसे मुझे यही उम्मीद है। थैंक यू। चलो बुआ, ये बड़े पापा के लिए लेके जा रही है ना? हाँ भाई, फारूक मियाँ का मिजाज गुस्से में गर्म हो जाता है, इसलिए हमने उनके लिए अनार का जूस बनाया है। ले दे, मैं ले। क्या कर रही हो? अगर ये जूस हमारे ऊपर गिर जाता और कपड़ों में दाग लग जाता फिर? तो कुछ नहीं होता बुआ, अगर आप ये गिर भी जाता, और वैसे भी अनार के रंग का दाग अच्छा लगता, इतने नजर भी नहीं लगनी थी। पगला गई है, काले रंग से नजर नहीं लगती। तौबा है भाई, इस लड़की की तो आज तक हमें समझ ही नहीं आई कुछ। जी हाँ, वो उस्मान से मैंने कह दिया है, वो आपसे बात कर लेगा, नो प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैंने जब आपसे कहा ना कि वो बात कर लेगा। ओके, मैंने आपके लिए फ्रेश अनार का जूस बनाया। ओह, लगता है आज हमारी बिटिया को कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप तो बगैर मांगे सब कुछ दे देते हैं, तो फिर आपसे क्या मांगू? बड़े पापा, वो जो सामने वाले घर में रहती ना समरीन आंटी, आपने उनके बेटे को बुलाया? वो बरखुरदार भाई नए नए मगरिब से आए हैं, हमने तो बस बुलाकर कुछ मशरकी घरानों के तौर तरीके समझाए। मेरे पापा, आपने उसको ज्यादा डांटा तो नहीं ना था? मामा, डांटा वहीं जाता है जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर कोई ताल्लुक होता है, और जहाँ पर ताल्लुक बनाना होता है इंसान को, वहाँ उसे वहाँ बहुत सी बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। कहते तो तुम ठीक हो, जहाँ पे पड़ोस हो, ताल्लुकात हो, इंसान को बहुत सारी बातें दरगुजर करनी पड़ती हैं। What are you thinking, वहाज? कुछ नहीं मामा, आपको पता है मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव चेंजेस कौन से? शेजी के थ्रू मुझे एक बहुत बड़े फैशन शो का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, व्हिच इज हैपनिंग इन दुबई। वाओ, दैट्स रियली नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, मुझे खुशी सिर्फ तुम्हारी शादी से मिले। जल्द बता दूंगा मामा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आज बता दूंगा नहीं, फैसला करना है। ओके मामा। फैसला तो शायद मैंने कर लिया। फरकान,
अरे वाह वाह हैंडसम, कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं डेट पे तो नहीं जा रहे? क्या वो मुझे एक दोस्त के घर पार्टी में जाना था, ये टाई है बंधने का नाम ही नहीं ले रही। बस टाई की नॉट है ना, लारे ने तो अच्छे अच्छों को बांध दिया। ला भाई टाई क्या चीज है? कोई शक नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। लारे भी इससे पहले कई बार मेरे करीब आई, मुझे छुआ, मगर आज क्यों कुछ नया नया सा है? ऐसा कि जैसे उसके हाथ की गर्मी मेरा वजूद कतरा कतरा पिघला रही है। शर्म से पिघल के पानी पानी हो जाते अगर खुद टाई बांध के जाते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें टाई बांध के दे रही हूँ। वैसे तुम मर्दों को कोई काम करना नहीं आता, वो तो हम लड़की ने सारे काम करती हैं। सीधे खड़े रहो ना। क्या कर रही हूँ? टाई बांध रही मेरा गला, फंदा बांध रही हूँ। और वैसे भी तुम जैसे लड़कों को बांध के रखना चाहिए, आवारा हो जाते हो। बंधना ही तो चाहता हूँ मैं भी, हमेशा के लिए। यार फुरकान, वो मैंने कहना था कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा यार। मुझसे नहीं बांधी जा रही, पता नहीं गोरों ने क्या इजाद कर दिया, लगता है किसी खोते की दुम से इंप्रेस हुए हैं ये। अच्छा अच्छा, तो टाई बांधी जा रही है यहाँ पर। भाई वाह, हमें भी तो दिखाओ। अरे जबरदस्त, ये तो इनके पेट पे खत्म हो रही है यार, गुड। वैसे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है लारे, क्योंकि तुम्हारी अकल तो तुम्हारे पेट में है, तो जाहिर सी बात है टाई भी यहीं पर खत्म होगी। बाय द वे, मेरे भाई को इस तरह कार्टून बनाकर कहाँ भेजने का? हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही कार्टून है, वो हो तुम। अच्छा एक मिनट भाई, मेरा एक मशवरा है यार, ये ऐसे टाई बांध कर प्लीज किसी पार्टी में मत जाना, वरना लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि ये किसने बांधी। बकवास बंद करो, मुझसे तुम मार खाओगे इरफान के बच्चे। मेरी माँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वाह जबरदस्त, क्या टाई बांधी है यार, वाह 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 जबरदस्त। तुम भी कद्दू बाहर आओगे, समझ आई आओगे मेरी हरकतों से? लारे इरफान के बच्चे, तुम्हें जान से मांगी मैं, बहुत कमी है तुम, बदतमीज इंसान। मुझे तुम्हारी बाज नहीं, तुम आते झगड़ते रहते, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मार दोगी तो जेल चली जाओगी पागल। मैं जेल जाऊं या रेल जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यार ये तो लड़की पागल हो गई है। आपस की बात है लारे, मैं भी यही चाहता हूं, तुम मुझे कभी भी मत छोड़ो। बच्चे की जान लोगी क्या? जान से मत लो पापा। माशाल्लाह से बच्चों ने घर में खूब रौनक लगा रखी, अल्लाह करे इसी तरह मिलजुल कर हमेशा साथ रहे। क्या बात कर रही बुआ, सोच के बोला करे। खुशियां साथ रहने में नहीं, अलग रहने में। आइए मेरे साथ बावर्ची खाने में। कुछ अजीब सी बातें करने लगी हैं बिल्कुल इस बेगम, या फिर हमारी तालीम कम है, या फिर इस घर के लिए कुछ नया होने वाला है। कम से कम हमारे लिए तो नया है, अल्लाह खैर करे। एबी ये ले, पीकर देखी। शुक्रिया बुआ। जल्दी से सब्जी काट लूं। मैंने फारूक को दो बेटे दिए हैं, काश मैं उन्हें बेटे की खुशी भी दे सकती। अरे बड़ी बहू, लारेब भी तो आप ही की बेटी है। बुआ उसी लारेब की वजह से तो सारे मसले पड़े। बुआ! आए, 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 पीछे पीछे करो। बुआ मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटा। बुआ अगर कोई किसी को तोहफा देना तो बदले में क्या करना चाहिए? तोहफे के बदले तोहफा देना चाहिए, क्योंकि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा मैं आती हूँ। गोपी अल्लाह खुश रखे।
लड़की के क्या मसले हैं। हाय। हेलो, हाउ आर यू? वैसे तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे अपनी आंखों को हर वक्त खुला रखना होगा। तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी हसीन आए जो हैं। अगर एतमाद की आंख खुल जाए ना तो शक की आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है, और वैसे भी दिल में एतमाद और शक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसे कहाँ रख रहे हो? तुम्हारे लिए लाई हूँ। Really? क्या जरूरत थी इसकी? तोहफे जरूरत के तहत नहीं बल्कि अपनी दिली खुशी के लिए दिए जाते हैं। थैंक यू। खोल के नहीं देखोगे? देख लूंगा बिश्मा, एक्चुअली आई एम अ लिटिल टाइड अप राइट नाउ, होप यू डोंट माइंड। हां, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू डू। ओके। आइसक्रीम पार्लर, खैरियत तो है? हाँ खैरियत तो है, मगर आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल चाह रहा था, और वो भी तुम्हारे साथ। क्या कहने हैं तुम्हारे दिल के यहाँ। वैसे तो मेरा मूड नहीं है, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करते हैं कि 4 बजे मिलते हैं ना फिर तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में। डन। वैसे तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए ही तुम्हें बुला रही थी, बट थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। चलो ओके, बाय बाय। सी यू देयर। बाय। ओह, तो भाई साहब डेट पर जा रहे हैं। क्यों ना हम इस डेट पर पहुंच के से तारीखी डेट बना दें। अरे बिश्मा बेटा, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। वहाँ से मुलाकात हो गई? मुलाकात हुई भी है और नहीं भी। बिश्मा इतनी उदास क्यों लग रही हो? बेटा अब तो तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। मैं तुम्हारी माँ से बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता मांगने लगी हूँ। वह आज मान जाएगा ना? अरे वो क्यों नहीं मानेगा? बचपन से तुम दोनों साथ रहे हो, कजिन्स हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, जरूर मानेगा। वो मुझे इग्नोर कर रहा है। रिश्मा वो तो इसलिए बेटा कि वो काम में बहुत बिजी है, जब भी काम में मगन होता है ऐसे ही करता है। Are you sure, खाला जानी? हाँ बेटा, आई एम वेरी श्योर। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मुझे बहार की मोहब्बत पाने के लिए हमेशा आपके सहारे की जरूरत होगी? बिश्मा बेटा, ये जो मोहब्बत और इश्क वगैरह होते हैं ना, ये सब शादी से पहले के नखरे होते हैं। जब इंसान की शादी हो जाती है तो फिर वो बच्चों में, घर में, इन चीज़ों में बिजी हो जाता है। इसी तरीके से जिंदगी की गाड़ी चलती है, इश्क फिश सब भूल जाते हैं। आप भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं। तुम्हें नहीं मालूम बिश्मा, वहाज की शादी का जितना मेरे दिल में अरमान है, अब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ। तबीयत खराब है ना कॉफी की? कोई बात नहीं, अभी दवाई खाओगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पता है जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मैं भी ऐसी दवाई खाती हूँ। कड़वी है, नहीं खानी? नहीं खानी तो पड़ेगी आज कॉफी। एक सेकेंड, मैं दवाई खोलूँ फिर। रुको रुको, लो कॉफी।
सच अ क्यूट पपी। कॉफी? अरे वाह, आपने तो गोद में ऐसे उठाया इसे जिस तरह बहुत पुरानी दोस्ती हो। वो एक्चुअली हम दोस्तियां करने में एक्सपर्ट है और हमें तो दोस्तों का दोस्त कहा जाता है। पापा कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, और क्या कहते हैं आपके पापा? पापा ये भी कहते हैं कि सॉरी करने में देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए सॉरी। किस बात का सॉरी? वो एक्चुअली बड़े पापा ने आपको डांटा था ना, इसीलिए। सिर्फ इतनी सी बात पे सॉरी? हाँ, बस इतनी सी बात पे सॉरी। चलो कॉफी, अब तुम्हें दवाई पिलाऊंगी मैं, घर चलते हैं, ठीक है? अब खबर तो बाहर रह गई। यार तू तो ऐसे गायब हुए जैसे शादी के बाद लोग गायब होते हैं, कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? नहीं यार, अभी कहाँ से, अभी तो प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही। यार तू ना बस सोचता ही रहेगा, उधर इरफान तेरी मोहब्बत को तेरी भाभी बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता बासित, लारिब सिर्फ मेरी है, बहुत जल्द वो मेरी हो जाएगी। मैं अपने घर वालों को इस बारे में बताने वाला हूँ। अरे वाह। और जहां तक रहा इरफान का सवाल, इस मसले को मैं बहुत जल्द हैंडल कर लूंगा। एक जबरदस्त आइडिया आया और इसीलिए मैं पार्टी में भी नहीं आ रहा। ये बात हुई ना मेरे यार, देख यार, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये मोहब्बत जो है ना, राइट और रॉन्ग का सब फर्क मिटा देती है, इसलिए एक्शन कर मेरी जान, एक्शन। चलो ओके, बाय बाय, बाद में बात होती है। ये वाला जरा दिखाइए, शर्ट है। हाँ, अभी देख रहे हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। अरे ज़किया पा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मुलाकात होनी हो तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अच्छा, यूं अचानक मिल जाने पर बातें ना बनाओ तुम। नहीं, तुम बहाने क्यों करती हो, घर आ जाए करो ना। हाय आपा, क्या करूं, घर के काम काज ही नहीं छोड़ते, ऊपर से आपके भाई साहब सब कुछ तो उन्होंने मुझ पे छोड़ा हुआ। छोड़ो इन मर्दों को, इनका तो काम ही यही है। तुम पता नहीं मेरे घर कब आओगी, कब तुम्हें मौका मिलेगा। ऐसा करते हैं कि सामने वहाँ बैठ कर अंदर जाके कॉफ़ी पी। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए आइए। क्रीम खिलाने की ट्रीट दी है, रिश्ते निभाने में, आपस में मिल बैठने में हमसे आगे निकल गए हैं ये बच्चे। आइसक्रीम की ट्रीट दे दी, मुझे तो नहीं बताया। अरे ये बच्चे कहाँ किसी को कुछ बताते हैं, जो अच्छा लगता है वो कर गुजरते हैं। जी। लारेब, लारेब जल्दी करो, तुम्हें एक सरप्राइज देना और एक ट्रीट देनी है यार। कौन सा सरप्राइज है, कौन सी ट्रीट? घर के पास एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, सोच रहा था तुम्हें वहां आइसक्रीम खिलाऊं, तुम भी क्या याद करोगी।
क्या कर रही हो? आइसक्रीम का नाम सुन के बावली हो गई हो क्या? तो और क्या, तुम जैसा कंजूस मक्खी चूस इंसान अगर मुझे आइसक्रीम की ऑफर करेगा तो मैं तो ऐसे करूंगी ना, मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, ये तो हकीकत है। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी भाई। Yeah, right. चले अब। हाँ, इससे पहले कि तुम्हारा कोई इरादा ना बदल जाए, तो मैं पता है कि वो स्कॉलर की मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि मैंने कभी उसकी आइसक्रीम नहीं खाई। प्लीज खिला दो, प्लीज खिला दो, प्लीज। अच्छा बाबा वहीं चल रहे हैं, लेकिन अब चलो प्लीज। कहाँ जा रहे हो मामा? वो तारीफ के मशवरे पर कुछ बुक्स खरीदने जा रहा था। अच्छा। बड़ी मम्मी ये झूठ बोल रहा है, आज तो फरकान ने हाथ निंता की कब्र पे लात मारी है, ये मुझे ना आइसक्रीम खाने के लिए लेके जा रहा है, इसको जरूर मुझसे कोई काम है। अच्छा आइसक्रीम खाने जा रहे हो? जी मामा, वो एक नया आइसक्रीम पार्लर खोला है, अब लारेब कह रही थी इसे आइसक्रीम खिला दो, मैंने कहा ओके फाइन। झूठा एक नंबर का। बड़ी मम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बोलो। जी वो मामा, अब चलो ना आइसक्रीम खानी नहीं है। ओके बड़ी मम्मी चलो चलो जल्दी करो। चलो क्या हो रहा है ये सब कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। हाँ वो स्टॉक्स देख लिए आपने सारे? जी सर देख लिए। रखवा लिया उनको? जी रखवा लिया। अभी ये खाने के बाद बात करते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा फोन आया था, अटेंड नहीं कर सका, डीलर आया हुआ था। हाँ बोलो। मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे ज़किया आपा मिली। ज़किया मिल गई थी, घबराई भी लग रही हो क्या? ज़किया ने कुछ कह दिया तुम्हें? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ फारूक, आपकी लापरवाही की वजह से हमारी बरसों की परवरिश ज़ाया हो जाएगी, हमारे बच्चों से कोई गलती ना हो जाए। अगर आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे आप? आज पहली बार तुमने हमारा नाम लिया है, क्या बात? इस अंदाज में सिर्फ आपको जगाने के लिए बात की है। मैं माँ हूं फारूक, जो मैं देख सकती हूं वो आप नहीं देख सकते। आप समझने की कोशिश करें, इरफान फुरकान लारेब, जो मैं देख रही हूं वो आपको नजर नहीं आ रहा, और मुझे इसका नतीजा कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा फारूक साहब। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी खौफ और हरास की बातें हमने, अब कोई हतमी फैसला करना ही पड़ेगा। Are you serious? Ooh, that sounds like a great offer. Yeah, yeah, I'm gonna go meet him tomorrow. Yeah, yeah. Obviously, I'm happy. अच्छा वहाज, शाजी लेट मी कॉल यू बैक। या ओके बेटा, ये क्या है? एक तस्वीर देखी थी उन लोगों ने तो घर में अदालत लगा ली थी, इतनी सारी देखेंगे तो तुम्हें कोर्ट में घसीट लेंगे। रिलैक्स मामा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब है कुछ नहीं होगा? वहाज यू माय ओनली सन,
मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर वो 100 बार भी मेरी इंसल्ट करेंगे ना मामा, तो इट डज नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस टू मी। ये क्या बात हुई? और ये तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? जरूरत से ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। लेट मी बी। मामा, आपके लिए इतनी जबरदस्त कॉफी बना रही हूँ कि बस। जब से मेरी बेटी अपनी खाला के घर से वापस आई है, बहुत ज्यादा खुश है। आप तो जानती हैं कि ये दिन मेरी जिंदगी का कितना अहम दिन है। बेटा, अपनी खाला जानी को फोन करके तो पूछो कि वो हमारा मुंह कब मीठा करवा रही हैं। अभी कॉल करती हूँ। मम्मी, मेरा फोन यहाँ पे रखा था। इधर कहीं होगा बेटा, देख लो। हेलो वहाज। हेलो। बड़े खुश खुश लग रहे हो आज। थैंक यू। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बस एक बात करनी है। हाँ, एक बात। मैंने आपकी बात मान ली। कौन सी बात? I want to get married. Really वहाज? बेटा, आई एम सो हैप्पी। तुम सोच भी नहीं सकते इस बात का मुझे कितना ज्यादा इंतजार था। थैंक यू सो मच। देखो इस लड़की की कितनी लंबी उम्र है। तुमने शादी की बात की और इसकी कॉल आ गई। हाँ विश्वा बेटा। अच्छा सुनो, आपा से कह दो कि रात का डिनर हम तुम्हारे घर करेंगे। हाँ, और मीठे में कुछ नहीं बनाना। मिठाई मैं साथ लेकर आ रही हूँ मुंह मीठा कराने के लिए। जी खाला जानी। भाई, तुम्हारी और वहाज की डेट पक्की करने आ रही हूँ शादी की। हाँ, क्या कर रहे हो वहाज? What is wrong with you? मामा, आप मेरी पूरी बात तो सुन लेती। मैं विश्वा से नहीं, मैं लारेब से शादी करना चाहता हूँ। What are you saying? वहाज? बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मामा, आप मेरी पूरी बात तो सुन लेती। आपने फोन पे उसे वैसे ही बता दिया। Oh my God, I can't believe. Smart, how can you do this to me? तुम ये नहीं कर सकते। मैं ये नहीं होने दूंगी। वो बच्ची है मेरी। हटो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। She will be all right. मेरा ख्याल है स्ट्रेस लेवल हाई हो गया था। ये आपको टेंशन देने की कोशिश करे तो बस कान से पकड़कर सीधा मेरे पास ले जाइएगा। वहाज मियां, अपनी माँ का खास ख्याल रखा करो। भाई, तुम अकेले ही तो बेटे हो। वैसे दवाई तो आप रेगुलर लेते हो। राफिया, ये आजकल होती कहां पे हो? ना घर आ रही हो, ना फेसबुक पे ऑनलाइन होती हो। आई मीन व्हाट? एनीवे, स्पीकिंग ऑफ फेसबुक, तुम्हारी कजन लारेब की पिक्चर्स पे बड़ी लाइक्स आ रही हैं। खैर, वो इतनी खूबसूरत है नहीं जितना वहाज ने बना लिया। टेक्नोलॉजी। पता तुम्हारी बातें सुन के मुझे क्या लग रहा है? जैसे लारेब की पिक्चर्स देखकर तुम जेलस हो रही हो। प्लीज आइसक्रीम खाओ। वैसे दिस इज अ नाइस प्लेस। हाँ, तो तुम मुझे आइसक्रीम खाने के लिए लाए हो, यही सरप्राइज था क्या? सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज का टाइम तो हो गया। वैसे चलें। तुम्हें पता फरकान, मेरा सुबह से आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। तुम बेस्ट कजन हो।
आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, चले चलो। इरफान, हाँ ये दोनों तो लवबर्ड्स हैं, इन्हें यहीं बैठे रहने दो, हम लोग कहीं और बैठे। नहीं नहीं, बैठ जाके पहले मिल तो ले। हाँ तो लवबर्ड्स क्या बातें कर रहे हैं? लवबर्ड्स क्या मतलब? फुरकान, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज चले जाओ। हाँ हाँ, तो कुछ जरूरी बातें हमसे भी कर लो। फुरकान बैठो ना, वैसे भी लवबर्ड्स की बातें सुनने का अपना ही मजा है। लारेब, इन दोनों को यहीं बैठे रहने दो, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग वहां चल के बैठते हैं। आओ आओ। व्हाट? देख लिया अपनी कजन को, कितनी जहरीली है वो। अरे यार, तुम लारेब को समझती नहीं हो ना, उसकी तो आदत है ये शरारतें करना। हेलो। अच्छा सुनो, डेट खत्म करने के बाद ना हमें ज्वाइन कर लेना। लारेब, हम डेट पर नहीं आए हैं यार। ये लड़की मेरी खुशियों की दुश्मन है। राफिया सुनो तो, वो रा अच्छा सुनो, वो तो गई। चलो कोई नहीं, हम ही तुम्हें ज्वाइन कर लेते हैं। आज आज थैंक्स फॉर द आइसक्रीम बाय द वे। खूब मजा आया वैसे, सीरियसली बड़ा मजा आया मुझे। ये रानिया की बच्ची ने भी ना फोन कर करके दिमाग खराब किया हुआ है। हाँ बोलो रानिया। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। ये तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आज हम तुम्हारी और लारेब के रिश्ते की बात करेंगे। तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं? जैसे आपकी मर्जी बाबा। मर्जी? वही हमने तुम्हें बासित के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। पता नहीं कितने मर मिटे होंगे तुझ पे। ऑनेस्टली मेरा तो खुद तुझ पे दिल आ गया है। तुमने कहीं फजूल बातें करने के लिए मुझे फोन किया? वैसे बड़े ही नखरे हो गए हैं तेरे। मैं कब से फोन कर रही हूँ तुझे और तूने अब फोन अटेंड किया है। अच्छा सुन, हमें कब मिलवा रही है उनसे? किसे? अपने जाने मन से। अरे उसी से, उसी स्टाइलिश से जिसने तेरी पिक्चर बनाई है बड़े शौक से। सुना है बहुत लड़कियां मरती हैं उस पे, और उसे देखो तुझ पे लट्टू हो गया। फजूल बातें मत करो रानिया। कुर्बान जाऊं तेरी सादगी पर। बड़े स्टाइलिश ने तेरा घर बैठे ही फोटो शूट कर दिया। अब तो तेरा नखरा करना बनता है यार। वैसे बड़ी गजब की लग रही है तू। उसने तुझ में एक नई लड़की को ढूंढा है। सुन लारे, कि तुझे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार? रानिया, तुम्हें तो बहुत बार प्यार हुआ है ना, ये प्यार क्या होता है? हाँ हाँ, कभी हंसाता है कभी तड़पाता है। जब ये होता है ना तो एक अजीब सी फीलिंग होती है जो दिल से गुजरकर रूह तक पहुंचती है और बहुत ही बेचैन रखती है लारे। अच्छा सुन, उसने तुझे अभी तक आई लव यू कहा या नहीं? अगर उसने मुझे कभी ऐसा कहा ना तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारूंगी। लेकिन तुझे तो हो गया ना जानी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया, मैं बाद में फोन करूंगी। बाय।
इरफान, इरफान मेरे भाई, इरफान। अरे क्या हो गया भाई, मेरी जान ले गया क्या? और तुम्हारा रिजल्ट भी तवक्को से पहले तो नहीं आ गया? वाकई में तवक्को से पहले आ गया? क्या मतलब? आई एम सो हैप्पी इरफान, पापा मेरी और लारेब की बात पक्की कर रहे हैं।